Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. शेर का न चला कवार भी हुआ बेकार, लालटेन की बत्ती हुई गुल, तराजू का पलड़ा भी भारी ना हो सका। पीटीआई के होम ग्राउंड में बल्ले का बोलबाला। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक अरबाब आमिर अयूब कामयाब, लीग उम्मीदवार का दूसरा नंबर। फतह की खुशी से सरशार खिलाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, जश्न मनाने के लिए जाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी। अरबाब आमिर के हुजरे पर जमकर फायरिंग, इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पोलिंग के दौरान दिन में भी सियासी कारकुन और रहनुमा सरेआम असलहा लहराते रहे। कावर के हलके पर जिमनी इंतखाब का मैदान सज चुका है। एनए4 जो कि आज बना हुआ है हल्का तहलका। हलके के मसाइल, पहला वोट कास्ट होने से गिनती और गैर सरकारी नतीजे तक आज न्यूज की रिवायत रही बरकरार। एनए4 से लम्हा बलम्हा खुसूसी अंदील बलोच कत्ल केस के मुलजिम अब्दुल कवी का झूठ मशीन ने पकड़ लिया। पॉलीग्राफ टेस्ट ने भांडा फोड़ दिया। 90 वालों के मुतजाद जवाब दिए। कराची में 8 साल बच्ची के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। मासूम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने शैला की वालदा से 1 लाख रुपए बतौर तावान भी तलब किया। सांसें बंद करना पड़े तो करो, कत्लो गारत करो, बस कराची को बंद करो। 12 मई को साबिक चीफ जस्टिस का रास्ता रोकने की मंसूबाबंदी 9-0 पर इजलास में हुई। मुत्तहिदा एमपीए कामरान फारूक ने बयान, कहा तमाम जराइम का एतराफ करता हूं, माफ किया जाए। पसंद की शादी करने से क्यों मना किया, सखर में बेटी ने मां के साथ मिलकर वालिद को मौत के घाट उतर। ताजिर अब्दुल रऊफ को फायरिंग करके कत्ल किया गया। फैसलाबाद में सफाक चचा जल्लाद बन गया। स्कूल ना जाने की जिद करने वाली भतीजी पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। मासूम बच्ची ने तड़प तड़प कर अस्पताल में जान दे दी। संगदिल मुलजिम फरार, पुलिस के गिरफ्तारी के लिए छापे। अलीपुर में जहरीली लस्सी ने का घर उजाड़ डाला। एक ही खानदान के 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। घर में कोहराम मच गया, लवाहतीन गम से निढाल। नैया को एक और तूफान का सामना। अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद, काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 3 नवंबर को पेश होने का हुक्म। अगर आप नाइंसाफी पे आवाज उठाएं तो उसको तौहीने अदालत कहा जाता है। सारा कानून यहाँ सबूत ढूंढने की नहीं बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। सबूत लेने इंग्लैंड जाने वाली टीम भी खाली हाथ वापस आई। पाकिस्तान में जमहूरियत पर बात करने को गद्दारी कहा जाता है।
इंसाफ पर बात करना तौहीन अदालत करार पाता है, मरियम नवाज की तनकीद। सारी मेरी तनकीद का मकसद सिर्फ एक था, मुल्क की इलेक्शन कमीशन क्रेडिबल हो। 1970 के अलावा सारे इलेक्शन में तनाजा हुए, लोगों की बदतमीजी देखनी है तो मोटू गैंग है उनकी जुबान सुना करें। रनपुरदी इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए, तौहीन अदालत केस में बुलंद आवाज में माफी मांग ली, कप्तान के खिलाफ दोनों मुकदमात खत्म। कहते हैं तनकीद का मकसद किसी को नीचे दिखाना नहीं था। शौकत खानम के फंड्स पर पलने वाला क्या तब्दीली लाएगा, न्याजी ने आज फिर माफी मांग ली। कागजी शेड लंदन में बिल्ला बनकर बैठ गया साबिक सदर आसिफ ज़ई, तीर से दो शिकार। अब आ जाइए आप अपने कागजी शेर पे जो दोबारा से लंदन में बैठ गया है बिल्ला, इसने सब सनतें बंद कर दी हैं, ये सिर्फ सीपैक की बात करता है, सीपैक को समझता नहीं। आसिफ जरदारी बोले जाली शेर और जाली न्याजी लांडी जेल की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते।